आई एवरी वन वेलकम टू बी मन आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइस तरीके से टू द पॉइंट तरीके से फॉर यर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज uh, एक आर्ट का टॉपिक है ये एक कल्चर का टॉपिक है एंड यूपीएससी का बहुत फेवरेट रहता है जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का कुछ टॉपिक आता है इट इज कॉल्डल आर्ट है ना ये क्या आर्ट है और ये क्यों न्यूज में आई है इसका कॉन्टेक्स क्या है इन सब चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये किस रीजन का है है ना और क्या इसकी किस पर्टिकुलर आर्ट से सिमिलैरिटी है और क्या सवाल बन सकता है इसके ऊपर वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बिफोर दैट अलाउ मी फ्यू सेकेंड्स टू टेल यू अबाउट दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन करंट अफेयर्स कोर्स ये जो वीडियो है ये जो सीरीज है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब इस सीरीज के अंदर हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से जो है करंट करंटर्स तो कवर करते हैं एंड इफ यू विश टू कवर करंट होलिस्टिकली कि आपका करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है इट इज कवर्ड वंस एंड फॉर ऑल और आपका यूपीएससी uh, का जो करंट अफेयर का मॉड्यूल जो तंग करता है वो एक बार पूरा हो जाए तो दिस इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन्स बहुत तरीके से कवर होता है इसमें क्लास के अंदर अवेलेबल इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट ईज ऑफ एक्सेस इज देयर अगर आप बाहर से कहीं वीडियो देख रहे हैं

वेशभूषा से यानी कि इसकी अपियरेंस से यू में फाइंड कि ये कुछ इस तरीके से है कि इट इज क्लोज टू कथकली है ना कथकली डांस ऑफ ऑफ केरला तो इसमें उससे पहले कॉन्टेक्स देखते हैं इसका कि देर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड कमल मंडलम महेंद्रन है ना जिन्होंने बोला है कि देर इज दिस फेडिंग पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट फॉर्म तो आर्ट फॉर्म का जो है ओवरऑल एक डिक्लाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी जो फेमस आर्टिस्ट जो इसको लीड कर रहे हैं इस, इस है। और क्योंकि यूपीएससी uh, तो के लिए और आपके सिलेबस के लिए ये इंपॉर्टेंट है एंड देखिए हमारे को थोड़ा सा फोकस रहना पड़ता है कि यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है दैट इज वाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस आगे देखते ऑटन थूल और थुल्लल इन शॉर्ट इज और देखिए यहां पे हर की वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इज अ रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ केरला दैट इज फेमस फॉर इट्स ह्यूमर एंड सोशल रिसाइट एंड डांस यानी कि रिसाइटेशन बोला जाएगा गाया जाएगा एंड डांस तो इसमें दोनों टाइप की चीजें डांस एंड रिसाइटेशन दोनों इंक्लूडेड है आर्ट फॉर्म और किस लिए फेमस फॉर इट्स ह्यूमर एंड सोशल सटायर

लोगों को समझाने के लिए तो वहां पे यू हैव टू कीप इट सिंपल और थोड़ा सा उसको करने तो दैट इज पर्टिकुलरली जो यहां पे स्टेटमेंट आपको हाईलाइट कर रही है जो यहां पे आपके लिए बोला जा रहा है इट वॉज इंट्रोड्यूसड इन सेंचुरी बाई फेमस मलयालम पोएट कंचन नामब कंचन या कुंचन कंचन नाम्बर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था ये कौन थे अ लेजेंडरी सटायरिस्ट हिमसेल्फ प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल रेजोनेटेड डीपली विद कॉमन मैन जो आपको पहले बोल रहा था कि सटायर और ह्यूमर इंक्लूड हुआ है और सिंपल रखा गया है इसको उसके मुकाबले दैट मींस इट इज इंटेंडेड टू अपील टू द द कॉमन पीपल आगे चलते हैं इसके यूनिक फीचर्स क्या है ऑटन थुलल फॉलोज क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नाट्यशास्त्र है ना जो सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर आर्ट एक कंपाइल uh, की हुई थी एक कंपाइल हुई थी इट इज इनैक्टेड इन टू थ्री सेपरेट वर्जनस

कथकली आर्टिस्ट उससे सिमिलर है ठीक है इट इज परफॉर्म एट टेम्पल फेस्टिवल्स एंड कल्चरल प्रोग्राम सिंपल इनफ द परफॉर्मर इज सपोर्टेड बाय अ सिंगर हु द वर्सेस एंड इज बायोग बाय एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ मृदंगम है ना और प्रकर्शन सिंबल्स तो साथ में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी है लेट अस सी कि क्या सवाल इसके ऊपर जो है वो बन सकता है यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फॉलोविंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑटन थूल आर्ट नंबर वन इट इज अट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ केरला सही स्टेटमेंट है अभी हम वही देख रहे थे इट इज फेमस फॉर इट्स एंड सोशल टू मासेस इंट्रोड्यूसड इन देंचुरी बाई द फेमस मलयालम पोएट कंचन नाम देखिए और लास्ट वाला पॉइंट देखिए इट इज अ फॉर्म ऑफ कथक कली तीन बातें यहां ध्यान रखनी है नंबर वन नॉट करेक्ट पूछे सबसे तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इनमें से गलत पूछ रहा है वो कि सही कौन सा नहीं है अब तीसरे और चौथे के अंदर देखो यहां पे क्या है ना काइंड ऑफ सीरीज एंड सच काइंड ऑफ आर इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप खुद रिसर्च करने निकलोगे वहां पे तो प्रॉबेबली आप यहां तक नहीं पहुंचोगे या शायद मिस कर जाओगे इसको तो एवर तो टीम ऑफ क्यूरेटर इज देयर जो कि पूरा क्यूरेट करती है कंटेंट को कि क्या पूछा जा सकता है क्या पार्ट मिस नहीं करना दैट इज वाई सच सच सीरीज आर इंपॉर्टेंट तो अब हमने देख लिया की ये हमने अभी भी पढ़ा है तो दिस क्वेश्चन में नहीं आएगा अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ढंग से लास्ट वन इट इज अ फॉर्म ऑफ कथकली वी नो दैट इट इज नॉट अम ऑफ कथकली तो आंसर इज नंबर फोर एंड बिफोर आई गो लेट मी टेल यूट दिसो करते हैं उसके अंदर की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहती है दैट इज नंबर वन you get a class which happens on saturday and monday second you get a weekly pdf jo ki pichle hafte ke jitne bhi current affairs hote hain usko usme cover kiya jata hai and last mein you get one pdf aur jiske through aapko pura jo current affair hai highly curated form ke andar cover ho jata hai because it is very difficult for you guys ki aap various sources se padho usko sare newspapers cover करना possible नहीं है इस एक pdf को weekly को cover करना it is very easy number 3 ट वीकली टेस्ट टू फोर्टिफाई एंड वेरीफाई जो आपने पढ़ा है आपको याद है या नहीं है so, साथ में यू कैन कंसिडर योर करंट अफेयर्स टू बी डन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लस यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल एज वेल मैंने आपको पहले बता दिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड दिस इज अभिमन्यू आई एस